टीकमगढ़ के जैन अतिशय क्षेत्र पापोरा में एसडीएम की मौजूदगी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जिससे दस्तावेजों को लेकर जांच हुई। पूरा मामला करोड़ों के लेन देन और घपलेबाजी का बताया जा रहा है। टीकमगढ़ प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में अतिशय क्षेत्र पापोरा में दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में कई गड़बड़ियां सामने आने की संभावना बताई जा रही है। जैन अतिशय क्षेत्र पापोरा में लंबे समय से विनय सुनबाहा और उनके परिवार का लगभग 45 साल से एक अधिकार है, जिसके चलते जैन समाज का एक बहुत बड़ा तबका वित्तीय अनियमितताओं और घोटालों को लेकर कलेक्टर और एसडीएम को लगातार ज्ञापन देता रहा है। इस संबंध में टीकमगढ़ एसडीएम ने विनय सुनबाहा को कई बार नोटिस भेजकर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा एसडीएम के आदेश को नजरअंदाज किया। इसी के चलते एसडीएम ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए विनय सुनबाहा, विजय देवरिया, कोमल चंद सुनबाहा और अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की। वहीं विनय सुनबाहा और मंदिर कमेटी के अन्य पदाधिकारी अभी फरार बताए जा रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।